to my new blog. तो आज हम जा रहे हैं गौरी के साथ घूमने। गौरी आया हमें लेने और हम आ चुके हैं अपने कहाँ पे आ चुके हैं हम आ चुके हैं हमारे छोटी गंगा के पास, जो आपको दिखाई नहीं दे रही हो, ब्लर है। तो हम जा रहे हैं शशांक राय के घर, क्योंकि गौरी का आईडी हैक हो चुका है। तो गौरी परेशान है। तो गौरी, तुम्हें कुछ कहना है इस बात पे? कुछ कहना चाहोगे अपने आईडी के बारे में? कहना ये है कि इंस्टाग्राम वाले सब अपना वो सिक्योरिटी और हाई करें, बिना पासवर्ड जाने कोई हैक कर ले रहा है फ़ोन नंबर जान के। तो गौरी ने अपने हाथों से अपना आईडी पासवर्ड किसी और को दिया है और बोल रहा है कि अपने सिक्योर इंस्टाग्राम को ब्लेम कर रहा है। देखो कितना हरामी लड़का है ये। पासवर्ड जाने कैसे हैक कर सकते हैं आप, बस फोन नंबर जान। तुमने अपना आईडी पासवर्ड उसे बता दिया बेटा, हम बात कर रहे हो तुम्हें फोन नंबर से, बस नंबर है उसके बाद ले लिया। फोन नंबर से नहीं ब्रो, बहुत कुछ तुमने उसे आईडी पासवर्ड कोड सब दे दिया था। और ये शशांक गाड़ी चढ़ा रहा है, बहुत स्ट्रगल के बाद गाड़ी चढ़ ही नहीं रही है गाइस। ये अल्ट्रा प्रो ड्राइवर है गाइस, कुछ ज्यादा ही पीछे लेके गाड़ी चढ़ा रहा है गाइस। तो गाइस फाइनली हम चढ़ गए गाइस, अब जा रहे हैं सामने जा रहे हैं लोग। और ये हरे वाली रुको, ये बताओ पहले तो वोट देने जाओगे, सपोर्ट नहीं करोगे? तो किस रास्ते से आना था और किस ये खेतों वाले रास्ते से हमको लेके आया शशांक के घर पे, शशांक सिंह के घर पे। शशांक का ऑपरेशन हुआ है तो हम शशांक सिंह के घर पे जा रहे हैं। हम लोग का प्लेन हाईजैक हो गया जो है कि वो वहाँ है, देख सकते हैं उतनी दूर है, लेजेंड आदमी देख सकते हैं। ये खेतों की वादियों में गाड़ी चला रहा है। लेजेंड आदमी देख सकते हैं, सस्ती बॉडी। यस ये है सस्ती बॉडी और ये खूबसूरती का राज। अच्छी बॉडी हमसे बस इतना बताया कि हमारी आईडी हैक हो गई है, उसको रिकवर कैसे करते हैं। हम बताए थे कि ऐसे ऐसे करो, तुम पर मेल आया होगा, इस पर नो कर दो या फिर होता तरीका। तो वो बोला कि सब चेंज कर दो, हमको पूरी बात नहीं बताया पूरी बात। ये हमको आज अभी आधे घंटे पहले बता रहा है कि जान अपना फोन से ओटीपी भी दे दिए हैं, ईमेल और यूजर नेम पासवर्ड। अरे उसे बोला ना पैसा का चक्कर है बाबू भैया, पैसा के चक्कर में नहीं। मेल आया था तो लिखा था कि समूह ने हैक देर अकाउंट, इज इट यू यस और नो? हम लोग नहीं लिखता है, लॉगिन लॉगिन लिखा था, लिखा था इज इट यू यस और नो, नो पे क्लिक किए। फिर दोबारा जब इस तरह पे गए तो मेरा ईमेल और फोन नंबर चेंज कर चुका है। मेरे पे भी कर दिया, मेरे फोन वगैरह तो दिया था ना, बस उसको फोन पे नंबर दिए, ओटीपी क्या दिए थे, फोन पे नंबर मोटा पैसा है यार। बोला कि सिम का नंबर रखा आपके मोबाइल पे गया होगा, तो हमको लगा कि फोन पे नंबर दिए, तो बोला कि नंबर बता दीजिए आपको बैंक ट्रांसफर कर दे रहा है पैसा। हम लोग नंबर होगा ऐसे दे देना, नंबर दिए तो फिर उसको बजा के कुछ नहीं, बस नंबर वेरिफिकेशन कोड आता है वो पूरा लिखा रहता है, वो ही लिखा बस ये लिखा था कि ये स्विच कोड जितना डोंट शेयर विद एनीवन, इट इज योर अकाउंट यस सर नो। देखो ये चीज होता है, देखो उस डॉक्टर कुछ नहीं दिखता, पैसा के चक्कर में सोचे, पैसा के चक्कर में अपना आईडी पासवर्ड दे दे रहे हैं। एक बार चॉकलेट वाला जरा परसों का जिस दिन हम गए उसी दिन उसके एक दिन उसी दिन लेने भी नहीं गया बेटा, वो हमारे भरोसे देके गया था। जैसे तुम जिम्मेदार इंसान हो, छाती के नंबर बदल के अगर दोस्त ना रहे तो हमारा कोई काम नहीं होगा। अरे तो पता इसी में ऐसे दो पीलो पीलो ऐसे तो चालाक आदमी है भैया, आईडी पासवर्ड सब गूगल पे के चक्कर में। अरे गूगल ऐसे वो कितना देने के लिए बोला था, बोला कि अराउंड 8000 देंगे।
बोला कि आप फोन पे नंबर दे देना है। स्वर में लिखे हुए कि नो आई एम नॉट इंटरेस्टेड। किस लिए लिखा था? जैसे पदेव क्या हुआ ना कि सवाल पूछा हमसे मेरे मैसेज पे, कोई फ्रीज फ्रीज से कोई क्वेश्चन था हॉस्पिटल में थे ना, तो बोला कि आपका जो गूगल पे है ना, तो आपको ऑफर लगा है गूगल पे 2300 का, ठीक। आप 2300 एक्सेप्ट करना चाह रहे हैं तो अपना मतलब कि वो URI ID दीजिए, हम उस पर आपको मतलब कि एक लिंक भेज रहे हैं, उस पर क्लिक करिएगा, ठीक। तो भेजा हम क्लिक किए, उसी दिन हमको गूगल पे से लेके गया पे वाले ऑप्शन पे, ठीक। हाँ समझ गए इससे का नाम क्या है ना, ऐसा उसको तो सीधे बोले ऐसा करना तेरा कोड मेरा गया, क्लिक करते उसके बाद बोलता है ना कि आपको एक कोड डायल करना, उस कोड को डायल करिए, फिर हाँ फिर 5503 मतलब व्हाट्सएप पे कॉल किया था मेरे, कह रहा है कि आपका 25 लाख की लॉटरी लगी है, बहुत अच्छा ऐसा करिए आप भी रख लीजिए। लगभग सभी के पास पहुंच चुके हैं, मेरे टाटा सफारी आया था भाई मेरे पे, मेरे पापा कह रहे हैं किसी को बताना मत, हम कह ठीक है फोन उठा के मेरे टाटा सफारी घर नहीं भेजेंगे। हाँ एक बार और फोन आया था कि आपको पैसा लेना है कि फोर व्हीलर लेना है, तो हम बोले कि ये काम करिए हमको फोर व्हीलर दीजिए, हमको पैसा नहीं लेना है, तो कहा कि एड्रेस सेंड कीजिए, तो हम कहा ठीक है लिख लीजिए फुलनपुर गाजीपुर इंडिया, तो कह रहा है ना कि उसके सुनो, तो फिर बोला है ना कि आपको कुछ मतलब कि पैसा पे करना पड़ेगा वो लेने के लिए, रिसीव करने के लिए 30,000 से 20,000 पे करना, 30,000 कुछ ऐसे बोला है, तो हम कहा ऐसा करिए ना आप फोर व्हीलर दे रख लीजिए, हमको कुछ नहीं चाहिए, आप अपनी लड़की दे दीजिए। अरे सारे कितना पियो, सारे गैस बन जी मरो, ओके पिया बहुत सदमा में होके तब का परेशान हो सेवा की सेवा की होता का सा तो उसका तो ये रिसीव भी तो कर सकता है ना, उसी के लिए आ जाएंगे आज हमारे स्पेशलिस्ट है हैकर वाले, इसके पर ओटीपी आया वेरिफिकेशन के लिए, 2-step ऑथराइजेशन उससे ओटीपी आता है फोन का, ओटीपी भी दे दिया, 6-digit का कोड आता है वो भी दे दिया। वो देने के बाद उसका अकाउंट अब कुछ भी चेंज करने के लिए वो इंडिपेंडेंट होता है, मैसेज के नीचे लिखा भी तो होता है डोंट शेयर एनी अदर, ऐसा लिख के भी आता है उसके अंदर, किसी को शेयर नहीं किया जाता है, लेकिन ये चालाक है, शक्ल देखो ये होता है कि इंसान अगर एक बार एसईओ से अगर हो जाता है आगे करके जागरूक हो जाएगा, तो भविष्य में एक बार हमारा ही दोस्त था, वो भी नया कोडिंग सीखा हुआ था वेबसाइट वगैरह बनाना, तो उससे ऐसा होता है ना कि वेबसाइट पे कुछ लॉग इन करोगे तो वो तुम्हारे डाटाबेस में सेव हो जाएगा, जैसे हम कुछ वेबसाइट बनाए हैं और अगर वो वैसा नहीं है तो हमारे डाटाबेस में सेव हो जाएगा, तुम जो उस पे पासवर्ड वगैरह लॉगिन करोगे हमारे डाटाबेस में सेव हो जाएगा, वैसे वो बोला कि अपना ईमेल लॉगिन करो। अब आइसन कौन फुसुर कर दो सारे, बस उसके लिए कि ड्राइव का एक्सेस उसको मिल जाएगा, उसके बाद वो हम भी कहाँ छोटे खिलाड़ी, हम उस पे गाली लिखे थे ना यूजर नेम पे गाली, पासवर्ड पे गाली, इसी तरह जानते हो अभी परसों फ्री फायर खेल रहे थे, परसों नहीं एक दिन पहले ऑपरेशन थे, वो गाली तो ऐसी थी ना वो पढ़ लेगा ना तो उसके इतने डायरेक्टली गाली थी इतनी पर्सनल गाली थी तो पढ़ने के बाद फिर हमको फोन करके बताता भी नहीं कि यार तुम गलत डाले हो ये सब क्या डाले हो, तो सुना तो क्या हुआ ना कि बैठो इधर हमारी ओर देखो और हमारे पीछे देखो, अभी ये ओ जो कि यहीं पे खड़ा था हमसे बात कर रहा था, नहीं तुम्हारे शरीर में फैली हुई है तुमको पीछे दिख रहा है कैमरा बंद करो।
शरीर पर होकर ये क्या हो रहा है इंस्टाग्राम का डर है क्या दिक्कत है निकल चुके हैं अब जिंदा जाने की कोशिश है ब्रो अरे भाई भरोसा नहीं है सोच रहे हो सतांग भरोसा तो गाइस हमें भरोसा नहीं था तो हम जा रहे हैं हाँ सतांग देखे बोरिया उठा के ले जा रहा था गाइस तुम लोग का टॉपिक ही नहीं खत्म 10 साल हो तुम लोग घर आने के बाद मेरे को ये मैसेज मैंने खुद चैट करके देखा तो इसमें मैसेज में लास्ट में उसने बोला अपना फेस दिखाओ फिर उसके बाद उसका वीडियो कॉल आया मैंने वीडियो कॉल उठाया वीडियो कॉल उठाते मैंने शीशे की तरफ कर दिया था और ये वीडियो कॉल में ऐसे स्कैम करते हैं ऐसे ये वीडियो क्लिप है ये क्लिप चला के रिकॉर्डिंग करके फिर आपको ब्लैकमेल करते हैं तो प्लीज़ ये सब चीज़ों से बच के रहें आजकल ये बहुत ज़्यादा हो रहा है उसके बाद कैमरा बंद करके बार बार मैसेज बोल रही थी बोलो 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 फेस दिखाओ तो ऐसा सबसे स्कैम बहुत ज़्यादा हो रहा है तो प्लीज़ आप लोग ये स्कैम से बच के रहें बस मुझे इतना ही बोलना है बाकी दूसरा स्कैम भी आपको दिखाते हैं अभी तो ये पहला था दूसरा वाला भी दिखाता हूँ मैं ये तो आज का कि कल परसों का है ये मैंने रिकॉर्ड करके रखा हुआ था सुकून तो हेलो गाइस जय श्री राम आप सबको आज है मंगलवार तो हम गए थे पूजा पाठ करके आके बैठे हैं तो मैंने बहुत दिनों से देख रहा था इतने सारे स्कैम हो रहे हैं दो बार तो हमारे पे कॉल आ चुके हैं एक कल आया था या दो एक उससे दो दिन पहले एक और कॉल आया था तो मैं आपको दोनों स्कैम सुनाता हूँ पहला स्कैम तो आपने देख लिया हो वीडियो कॉल वाला दूसरा स्कैम आपको दिखाता हूँ बीच फ़ोन कट गया सर ने सुन लिया ये कुछ देर बाद ये फ़ोन कट जाता है तो यहाँ तक ये होने के बाद बंदा ये तो वहाँ से स्कैम बंद होता है इसका दूसरा स्कैम स्टार्ट होता है मेरे व्हाट्सएप से तो व्हाट्सएप वाला तो मैंने आपको पहले दिखाया था तो वो बात का है पहले वाला ये था तो मैंने यहाँ तक ठीक है मैं मेरा ये वीडियो बनाने का सिंपल सा मतलब ये था कि आप आजकल बहुत ज़्यादा स्कैम हो रहे हैं तो आप स्कैम से बच के रहें जैसे कि कोई आपसे बैंक से आपको फ़ोन आए बोले कि सर आपको ये आधार कार्ड लिंक कराना है आपको ये कोड जाएगा आप कोड बता दीजिए चाहे ऐसा कुछ भी हो तो बिना किसी से कोई भी बात घर में बिना बताए कोई कुछ भी किसी को ना दें बस मैं यही कहूँगा और क्या कहते हैं और ये जो वीडियो कॉल आते हैं चाहे मैसेज आते हैं आपको अगर ऐसा कुछ भी हो तो आप इसका इसके लिए आप ऑनलाइन रिपोर्ट मार सकते हैं ये है पेज है आप उस पर रिपोर्ट कर सकते हैं उस रिपोर्ट के लिए आप कॉल भी कर सकते हैं इसका नंबर है 9030 नंबर है 1930 तो इस नंबर पे आप कॉल करके अपनी अगर आपके साथ स्कैम हुआ है तो आप यहाँ जाके रिपोर्ट कर सकते हैं ये हेल्पिंग नंबर है जिससे आपकी जल्दी अगर आपने पैसे उसे दे दिए हैं तो वो आपके रिकवर करने में आपकी हेल्प करेंगे तो इस नंबर से आप अपनी हेल्प कर सकते हैं अगर जिसके आपका पैसा इधर उधर हो चुका हो तो और मैंने कैसे उस वीडियो कॉल को मैंने वो किया था आपने देख ही लिया होगा मैंने साइड से उस वीडियो को शूट किया है और मैं उस वीडियो में 1% नहीं बोला भाई साहब 1% जो होता है ना मैंने नहीं बोला तो ये सब चीज़ों से दूर रहें और जितना सावधान रहेंगे जितना सावधान रहेंगे उतना आपके लिए बढ़िया होगा बस मेरा वीडियो बनाने का यही मतलब था कि आपको बता पाऊँ कि आजकल बहुत ज़्यादा स्कैम चल रहे हैं तो प्लीज़ बच के रहें और जिसको ये सब स्कैम के बारे में नहीं पता है तो प्लीज़ मेरा वीडियो शेयर कर दें वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर कर दें तब तक के लिए बाय बाय जय श्री राम कैलिफोर्निया ड्रीम अबाउट यू